Okay, student, again the past paper of integration from your integration file. Question number 30 and it is from October number 14. ये इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास अभी. जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था. अब ये क्या है बच्चों, वी हैव टू कैलकुलेट एल्फा. एल्फा किसके दरम्यान में बन रहा है? एक तो चीज याद रखना, कर्व्स के दरम्यान में एंगल नहीं बनता, लाइंस के दरम्यान में एंगल बनता है. क्यू के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, इन दोनों टेंजेंट्स के दरम्यान का हमें एंगल कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला एग्जाम में रखिए, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन लाइंस. ठीक हो गया. अब एम क्या है? ग्रेडियंट. और ग्रेडियंट क्या होता है? डी बाय डीएक्स. अब आप देखिए पहला कर्व क्या है, y इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस वन होल पावर हाफ. दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन. पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy ओवर dx, अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो मैं क्या लिखूंगा अपॉन y इज द क्वेश्चन. इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या हुआ, फोर. क्या आंसर आ गया, टू टू द फोर. इसको करें डिफरेंशिएट dy ओवर dx, टू नीचे आया तो x बचा और ये जीरो हो गया. ठीक हो गया. तो मतलब पहला ग्रेडियंट m1, अगर मैं x को रख दूं 2 तो क्या आएगा, 4 टू द 8, 8 प्लस 1 9, तो 2 ओवर 3. और दूसरा ग्रेडियंट m2 क्या आ जाएगा, अगर x को मैं रखूं 2 तो ये 2 आया. तो देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइंस, यहां पर एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है. टेन इनवर्स, कैलकुलेटर निकालिए, डिग्रीज में आंसर बताना है बेटा. एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. आंसर कितना है, 29.7 डिग्री. कोई सा भी कर, कोई भी कर लिया. मैंने एक कर्व का ग्रेडियंट एम वन क्या दिया, दूसरे का एम टू क्या दिया. एक्स की वैल्यू टू रखी क्योंकि वो भी टू रखी, एक्स की जगह टू. नहीं नहीं जीरो क्यों रखेंगे बेटा, इस जगह के ऊपर इस जगह, समझ आ रही है. इसका ग्रेडियंट एम वन का हमने और इसका ग्रेडियंट एम टू का. सेकेंड पार्ट, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, पहले ए वन कैलकुलेट किया जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे पहले कर्व को कहां से कहां तक, अपर कर्व को जीरो से लेकर थ्री तक, जीरो से लेकर थ्री तक अपर कर्व. और अपर कर्व की इक्वेशन क्या है, ये लिखी हुई नजर आ रही है, फोर एक्स प्लस वन होल पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. करते हैं जनाब इंटीग्रेट जीरो से लेकर थ्री. अच्छा अब तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रल साइन हट जाएगा और इट विल बी फोर एक्स प्लस वन होल पावर हाफ प्लस वन थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन टू और साथ में बेस का डेरिवेटिव फोर. टू टू जा फोर. लिमिट्स कहां से कहां तक की है हमारे पास, जीरो से लेकर थ्री तक की लिमिट्स. डिनोमिनेटर में क्या बचा, वन अपॉन सिक्स, बाहर रख दिया इसको और इन द ब्रैकेट फोर एक्स प्लस वन की पावर थ्री अपॉन टू लिमिट्स जीरो से थ्री. डायरेक्ट लिमिट्स लगाकर मुझे आंसर बता दीजिए. अब लिमिट थ्री रखेंगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन डायरेक्ट मुझे आंसर बता दीजिए. 125 आंसर इसका आ गया. एरिया टू,
अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं जीरो से लेकर थ्री तक लोअर कर्व को, विच इज हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट किया जनाब तो ये क्या बचा, एक्स पावर थ्री ओवर थ्री, मतलब थ्री टू सिक्स, और वन का क्या हो गया एक्स, लिमिट्स कहां से कहां तक, जीरो से लेकर थ्री तक लिमिट्स लगा के आंसर बताओ। आपने थ्री अच्छा लिमिट्स लगा के आंसर बताओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो जीरो हो गई। फिफ्टीन ओवर टू, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो गया, ए वन माइनस ए टू अपर माइनस लोअर कर्व 117.5 इज द फाइनल रिजल्ट। बात समझ में आ रही है बच्चों, एनी कंफ्यूजन? नो जी, लाइट ऐसी है सर हमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम योर इंटीग्रेशन पास्टर्स फाइल, इट इज फ्रॉम ए जून 13। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है जनाब, डायग्राम आपको दी गई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बी क्या है, टेंजेंट ऑन द कर्व, सी क्या है, नॉर्मल ऑन द कर्व एट ए। तो सबसे पहले हम कर्व की इक्वेशन को करेंगे क्या, इंटीग्रेट, वो सॉरी डिफरेंशिएट, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू होल पावर फोर, हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट जनाब। सो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स हो गया बच्चों फोर एक्स माइनस टू की पावर थ्री। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, व्हेन एक्स इज वन इट विल बी वन माइनस टू, सो इट विल बी माइनस फोर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, वन अपॉन फोर। इक्वेशन बनाने के लिए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है बच्चो वन, सो वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर, और वाई किसके बराबर हो गया, माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। यहां से इक्वेशन बनेगी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू एक्स माइनस वन, एंड फोर वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स बी के, अगर हमें बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, वाई को जीरो रखना होगा, वाई को जब जीरो रखेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, फाइव अपॉन फोर। और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें एक्स को जीरो रखना होगा तो वाई कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन फोर। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए बी और सी के। आगे क्या कह रहे हैं जनाब, इन द सेकेंड पार्ट फाइंड द डिस्टेंस ए सी, ए सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ए के कोऑर्डिनेट्स वन वन, सी के कोऑर्डिनेट्स जीरो थ्री अपॉन फोर, ए सी का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन, थ्री अपॉन फोर माइनस वन, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर, रूट में ही रहना चाहिए। सो इट विल बी अंडर रूट थ्री अपॉन फोर माइनस वन कितना हो गया, माइनस वन अपॉन फोर का स्क्वायर, वन अपॉन सिक्सटीन प्लस वन। अब ये क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट सेवनटीन अपॉन सिक्सटीन, तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट सेवनटीन अपॉन फोर, ये आंसर आ गया आपके पास सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपने मालूम करना है। इन द थर्ड पार्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कर्व को इंटीग्रेट करेंगे हम कहां से कहां तक, जहां कर्व टकरा रहा है एक्स एक्सिस को और यहां तक पॉइंट ए तक, कितना है बच्चों ये वन। कर्व एक्स एक्सिस को कहां टकरा रहा है, वाई को जीरो रखना पड़ेगा, जब वाई जीरो रखा एक्स माइनस टू होल पावर फोर सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, टू, वन से लेकर टू तक कर्व को इंटीग्रेट करेंगे हम तो ए वन आ जाएगा, वन से लेकर टू तक कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, कर्व की इक्वेशन एक्स माइनस टू होल पावर फोर, कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं जनाब, सो इट विल बी एक्स माइनस टू होल पावर फाइव ओवर फाइव। लिमिट्स कहां से कहां तक की है हमारे पास, वन से लेकर टू तक, जरा मुझे बताइए ए वन कितना आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वन अपॉन फाइव ऐसे ही रहा,
एक्स माइनस टू होल पावर फाइव, लिमिट्स हैं वन से लेकर टू तक, व्हाट इज, जब टू रखा तो जीरो आ गया, वन रखा तो वन अपॉन फाइव, ठीक हो गया। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, वन अपॉन फाइव इज द रिजल्ट, ए वन। अब आप देखें ए टू, ए टू क्या है, ये ए टू क्या है बच्चों, ये एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ गया, ये एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं तो ए टू क्या हो जाएगा, हाफ, बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या है बच्चों, बी से लेकर वन तक, बी क्या है फाइव पॉइंट फोर, मतलब 5.4 माइनस 1 ये बेस हो गई, बेस ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया 1, क्या आंसर आया, हाँ 1 अपॉन 8। तो देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ए वन माइनस ए टू। थ्री अपॉन 40 is the final result, which is area under the curve. बात आ रही है समझ में? Hopefully it is clear. Okay, so question number 36, first part. In the first part, we have to calculate the coordinates of C. और coordinates of C क्या है? Tangent to the curve at B. Intersect the line x equal to 1 at C. इसका मतलब क्या हो गया, ये x की वैल्यू तो 1 है यहां पर, हम अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दें और उसमें x को 1 रख दें तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा C का। तो कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों, y equal to 8 x की पावर माइनस हाफ माइनस x, डिफ्रेंशिएट करें dy ओवर dx, हमेशा देखो एक ही चीज चल रही है, 8 ऐसे ही रहा, माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस वन माइनस थ्री अपॉन टू माइनस वन, सो इट विल बी माइनस फोर अपॉन एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, प्लस फोर माइनस वन, क्यों माइनस, सो द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज एक्स की वैल्यू को अगर मैं रखता हूं फोर, तो 8 माइनस 4 ओवर 8 माइनस 4 ओवर 8 माइनस 1, क्या आंसर आया, माइनस 3 ओवर 2। सो नाउ y माइनस y1, y1 कितना है 0 इक्वल टू m माइनस 3 ओवर 2, x माइनस x1, x1 कितना है बच्चो 4, सो इट विल बी 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, 3 12। अब हमें C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो C के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें X तो 1 दिया हुआ है, Y कितना आ जाएगा, X अगर 1 है तो Y कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, 12 माइनस 3 कितना होता है, 9 डिवाइडेड बाय 2 3, सही हो गया। नाउ ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, आगे चलते हैं जनाब। इन द सेकंड पार्ट फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया अंडर द कर्व हमें मालूम करना है 1 से लेकर 4 तक, माइनस कर देना एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो ये एक्स्ट्रा ट्राइंगल का एरिया आना है, ठीक हो गया। एरिया ऑफ द ए वन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक, कर्व की इक्वेशन 8 x की पावर माइनस हाफ माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी 8 ऐसे ही रहा, x की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ पलट के 2 हुई, माइनस x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स कहां से कहां तक की है हमारे पास, 1 से लेकर 4 तक की लिमिट्स हैं, ये हुआ बच्चों 8 टू द 16 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, जरा लिमिट्स लगाकर मुझे बताइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट करके बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ ए वन,
यस What is the answer of A1? Five upon two is A1. A2 calculate करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? A2 calculate करने के लिए area of the triangle half base कितनी है triangle की three height of the triangle C के ये वाले coordinates मौजूद है हमारे पास कितने हैं nine upon two half base into height height है nine upon two की कितना आ गया 27 upon 4. Yes. Therefore, the final answer is A1 minus A2. Kya answer aaya? 17 upon 4 is the final result. Area of the shaded region. Are you clear? Any confusion?